सभी को नमस्कार, मेरा नाम है मोनू झा। आप देख रहे हैं मोनू के ब्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आए हैं करण खेरे माता के मंदिर। तो चलिए हम वहां का आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। और उससे पहले हम अभी आपको बताते हैं, मंदिर इस साइड है, हम अभी मंदिर के पीछे साइड में खड़े हैं, तो आपको पूरा मंदिर का टूर करवाएंगे। और देखते हैं अगर महंत जी से यहाँ पे बात होती है तो उनसे बात करके देखते हैं, तो उनके ज़रिए से हम आपको पूरा यहाँ की डिटेल देंगे। और फिलहाल आप लोग इस वीडियो में बने रहें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप देख रहे होंगे हम अभी मंदिर के पीछे हैं, हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये है देवी माता। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके का मंदिर है, ठीक है। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूर्ति रखी हुई है, आप देख लीजिए। अभी दोपहर का टाइम चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, जो महंत वगैरह होते हैं जो पूजा करते हैं, तो वो अभी यहाँ पे है नहीं। तो अगर वो आते हैं तो मिलते हैं तो हम उनसे बताएंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जैसे कि एक महंत आ चुके हैं, चलिए हम उनसे पूछते हैं। बाबा जी आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? पप्पू दास। अच्छा अच्छा आप यहाँ कब से रहते हो? हमें अभी बहुत सारे, हमें 20-32 साल होगी। अच्छा अच्छा, जैसे कि बाबा जी से हमने बात की है, वो बता रहे हैं हमें यहाँ पे 20-25 साल हो चुकी है यहाँ पे रहते रहते। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं का के हैं। यहीं का? अच्छा अच्छा, कौन सा ज़िला पड़ता है वहाँ पे? ज़िला औरैया। औरैया? हाँ। अच्छा अच्छा, औरैया के पास में हो। तो अभी जो यहाँ पे मुख्य महंत हैं तो उनका नाम क्या है? रामदास। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था, महंत जी से हमारी बात हो गई है और महंत जी इस वाले मंदिर में हैं और इस वाले मंदिर में हैं। तो उनसे हमारी बात होने के बाद उनने बोल दिया है कि यहाँ पे जो भी जानकारी है तो वो हम बताने के लिए तैयार हैं। तो महंत जी से बात हो गई है, तो मंदिर के हम बाहर खड़े हैं और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है करण देवी मंदिर। तो मंदिर के हम अंदर चलते हैं और आइए फिर मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर चल के महंत जी से आपकी बात करवाते हैं। चलिए, जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था, महंत जी से हमारी बात हो चुकी है और महंत जी हमारे सामने हैं और वो जो भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन है और कैसे क्या मंदिर बना है और उसकी पूरी जानकारी है तो वो देने के लिए तैयार हैं। तो उनसे हम बात करते हैं, चलिए हम आपको मिलवाते हैं। महंत जी सीताराम, आपका नाम क्या है? हरण श्री श्री 108 महंत रामदास जी, रामदास जी महाराज। अच्छा अच्छा, रामदास महाराज जी हैं ये और यहाँ के मेन महंत हैं, इनसे हमारी बात हुई है। चलिए हम आपको दूसरा मंदिर दिखाते हैं, इस यहाँ से पास में मंदिर है वहाँ पे। तो अभी महाराज जी यहाँ पे एक दो लोग आए हैं जो कि दादी हैं एक, वहाँ पे प्रसाद वगैरह लेने। फिर महाराज जी साथ में चल के वहाँ का भी दिखाते हैं और वहाँ पे कृतिमा वगैरह बनी है तो वो सब भी हम आपको दिखाते हैं। वहाँ पे भी एक महाराज जी हैं, तो चलिए आप लोग बने रहें, तो आप वीडियो में बने रहें। महाराज जी ये चलते हैं और आइए फिर बताते हैं। ये वाला मंदिर जो है ये थोड़े ऊंचे मतलब चबूतरे पे बना हुआ है क्योंकि ये नया मंदिर है, 2007 में बना था। एक मंदिर यहाँ पे है और एक मंदिर यहाँ पे है। तो देखिए कुछ इस तरीके का मंदिर है, आप हम कहें ना इधर से आओ, इधर से आओ, सामने को देखो। तो देखिए कुछ इस तरीके का मंदिर है और हाँ यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये एक मंदिर है और यहाँ पे जी, अच्छा ये है काली मैया। अच्छा ये काली मैया का मंदिर है और ये हनुमान जी, हनुमान जी का मंदिर है। देखिए आप दर्शन करिए महाराज के। हाँ हाँ, दूर से ले, दूर से। हाँ देखिए, और ये गणेश जी महाराज का मंदिर है, यहाँ पे प्रतिमा है। और इधर आ जाइए, ऊपर दिखाइए, तो शंकर भगवान पे चले। और इधर दिखाइए ये, अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो आपको गुरु महाराज की जो प्रतिमा दिख रही है नहीं, वो मतलब यहाँ के जो मेन महाराज थे जो अभी यहाँ नहीं है, जो ये रही उनकी प्रतिमा जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो
ये कुछ इस तरीके का मंदिर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि आप लोग यहाँ पे आएँ और देखें, काफ़ी अच्छा मंदिर है, भव्य मंदिर है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा है देखने के लिए। तो महाराज जी यहाँ पे खड़े हैं, चलिए हम दूसरा मंदिर दिखाते हैं, वहाँ पे क्या शेर वाली ये है और अच्छा अच्छा जो उज्जैन में हर्षित देवी नाम से पुजराई, वो ये सीन है। आ गए फिर काल भैरव है, यहीं से गए गढ़काल का, यहीं से गए ये ज्योतिर्लिंग उज्जैन वाले। हाँ जी, सब सीनरी। चलिए महाराज आप ये दूसरा वाला मंदिर भी दिखा दीजिए उस साइड का, जो कि माता रानी। अच्छा, ये शंकर जी का मंदिर है, ये आप दिखा रहे हैं। शंकर नंदी गढ़ भगवान, शंकर भगवान के आराधना मंदिर। भवम भवानी शैतम नमामि। चलिए आपको तीसरा मंदिर बताते हैं ये दुर्गे मैया का है। ये माता श्री दुर्गे माता और ये है जी महाराज, आप कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के बारे में? हाँ, जो महाराज जी ने 2007 में स्थापना करवाई है। अच्छा। हम लोग साक्षात रहते हैं, इन मूर्ति को विराजमान करवाया। अच्छा। हाँ, दर्शन के लिए बड़े बड़े दूर से यात्री आते हैं, भक्त लोग उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। महाराज जी की यहाँ कर काल में जीर्णोद्धार सब कुछ हुआ है। यहाँ महान जी सीताराम, आपका नाम क्या? हमारा श्री श्री 108 महंत रामदास जी, रामदास जी महाराज। अच्छा अच्छा, रामदास महाराज जी हैं ये और यहाँ के मैन महंत हैं, इनसे हमारी बात हुई है। तो चलिए हम यहाँ के बारे में जानते हैं। जैसे कि महाराज जी आप यहाँ कब से आए हो? सन 90 से। अच्छा, आप यहाँ 90 से रहते हो। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि आप जब से यहाँ आए हो तब से लेके अभी तक क्या क्या मतलब यहाँ पर डेवलप हो चुका है, मतलब कौन कौन से मंदिर या फिर कुछ और यहाँ की जानकारी? शंकर भगवान का, काली मैया, शंकर जी, हनुमान जी, फिर दुर्गे मैया, यज्ञशाला, धर्मशाला, गुरु महाराज जी का स्थान, इतने मंदिर तैयार हुए। जिस मंदिर में बैठे ये पुराना स्थान है। अच्छा 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 अच्छा, तो यहाँ पे महाराज जी बता रहे हैं यहाँ पे 2-3 मतलब शंकर जी का है और 1-2 और छोटी छोटी प्रतिमा और छोटे छोटे बिल्डिंग बन चुकी है। और ये जहाँ पे हम बैठे हैं ये काफ़ी पुराना मंदिर है जैसे कि महंत बता रहे हैं। और यहाँ पे मतलब जो मेला है और यहाँ पे कब कब की कौन कौन सी मान्यता है जब यहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं? नवरात्रि, चैत की, कुंवार की और भर हमेशा इंसान आउट बने रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ इनकी स्थापना से लेके कोई आपको यहाँ की कोई जानकारी हो, जैसे कि यहाँ पे कोई एक कहानी हर मंदिर की एक होती है, तो उस हिसाब को आपको यहाँ की क्या जानकारी है? हाँ, यहाँ राजा करण दाहर से आए, उनने किला बनाया, किला के अंदर देवी मैया को स्थान बनाया। अच्छा। करण देवी माँ उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। जब राजा करण यहाँ तपस्या करी है भारी, तो माँ ने साक्षात प्रकट हुए, उनने की राजन वरदान मांग लिया, हम प्रसन्न। उनने की माँ दया बोले दया है, दरवाजा हार गई माँ, बोले हमें 125 सोना प्रति दिन ब्रह्म मुहूर्त में चाहिए। तो माँ ने कही कि राजन हमारी भी शर्तें हैं। बोले उनने दरवाजा रहा ली, बोले बताओ, पहली शर्त ऐसा है कि एक कराव में 125 तेल खोलत रहा है बराबर, बाप चढ़ो राय कराव। अच्छा, जो आप कहना चाहते हैं वो करहिया में 125 तेल बराबर खोलत रहा है। अच्छा अच्छा, भट्टी पे धरो रहा होगा, हाँ भट्टी पे रहा बराबर। जब उनको पहले घंटे रखते तो तब राजा करण अपनी चारपाई छोड़ देते, दूसरे घंटा में नृत्य क्रिया, तीसरे घंटा में उस कराव में उलझाते खोलत भाई में, फिर देवी माजर एक तरफ धर देती, जोगनी पिशाची उनको पिवा उठती। उस समय फिर राजा करण के ऊपर जहाँ अमृत मारो तो राजा करण ऐसे खड़े हो जाते जैसे अपने भवन से आए हों। उन्हें तब 125 सोना दान मिलता देती थी देवी, फिर भी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में दान करती थी। ऐसी कहानी बहुत समय तक चलती रही, चलते बहुत समय हो गया, फिर
कुछ समय पर राजा विक्रमादित्य को अमृत की जरूरत पड़ी, तो वे यहाँ पृथ्वी पर घूमत घूमत यहाँ आए। एक जगह रात में रुके, नींद आए गई, दूसरे द्वारे पर रहे को तो नहीं। सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे माता बहने घर से निकली, तो उनने देखो कि जी तो हमारे फिर भी ने अपनी लौटी सास से कही, माँ लला तुम्हारे द्वारे पर। उनने कहे लला कहाँ से आएगा, मैं तो राजा कर्ण के यहाँ नौकरी कर रहा है, उनकी अमृत कुंड की पहरा दे रहा है, उनकी चारपाई लगाऊ थेंगे। जब से गए जब से छुट्टी नहीं मिली, जो कछु जरूरत पर सो दोनों करके आए जाते। अब तब अम्मा खींच ले आई, तो अम्मा ने देखो कि लला विक्रमादित्य को वे लड़का को एक रूप है, तो जो यहाँ राजा कर्ण के यहाँ से वक्रत। तो अम्मा ने जगाओ उनने कि लला लजायदाव का और भगे आए थे, तो इल्ला उठे कुमार खुलाए दे थे कछ बिन्ने जब भी हुए, तो उनने कहीं कामा पहचान नहीं पा। बोल कहे हमारे लड़क ने, बोले तुम्हारे कहाँ है, कैसे बताओ। बोले जमुना किनारे 1836 में किला बनो है, वहाँ राजा कर्ण रात है, प्रतिदिन वो कराह में उलते हैं। अच्छा, खुला दवाई में वहाँ हमारे लल्ला पहरा दे रहे हैं कि कराव को पहरा दे रहा है, राजा कर्ण की चारपाई लगाओ। तो वो कहानी उनने बताई, तो विक्रमादित्य ने कही, माँ हम उज्जैन के राजा हैं, चिंता न करो आप। फिर उनने अपनी शक्तियाँ भेजी, तो उनने पता लगाओ कि जो बताई थी वो सही, फिर राजा कर्ण विक्रमादित्य यहाँ आए। अच्छा, विक्रमादित्य जब आए गेट पे, तो भैरव को पहरा तो चढ़ नहीं दे रहा था, तो राजा विक्रमकरण ने विक्रमादित्य ने फिर मदरा मंगाओ बाय पान कराए दो, वो नशा में भुक्त हो गाओ। उस समय राजा विक्रमादित्य चढ़े आए किला पे, फिर 8-10 दिन भी घूमते रहे किला में। जब वहाँ की जानकारी लेके फिर वह लड़का से मिले, बोले भैया तुम्हें घर की याद नहीं आओ। तो बोले याद तो खूब आओ, छुट्टी नहीं मिला। बोले अच्छा तुम आओ काम का है, तो उनने काम देखो तो चानना। फिर बोले अपने राजा से मिलाओ। जब राजा से मिले, उनने दंडवत प्रणाम करी, बोले महाराज जी हमारे भैया हैं, जब से आए माँ बहुत तरस रही, नहीं वो इन्हें भेज दे हमें रख ले। तो उन्होंने कहा ठीक है, बिना भेज दाओ वे चले गए। तो राजा कर्ण विक्रमादित्य यहाँ पहरा देने लगे, उनकी ड्यूटी पे नौकरी करने लगे। बहुत दिन उन्होंने कि वो जो तो राजा चारों युग चाल है वो, तो उनने कि जी अमृत मिल जाए तो जी बतो जाए मिले कैसे, जो जी राजा कर्ण काम कर रहा है वो हम करें। एक दिन राजा कर्ण ने विक्रमादित्य ने कहा करो दिन में बाजार करा लो, मेवा मिष्ठान मंगा के धल लई। जब समय आओ राजा कर्ण सोए गए चारपाई पर, उनने अपनी शक्तियाँ बैठा दी मिचवन पे। बोली जब लो हम इनको कान नकल लेते, बोले हिलन न दियो। तो भी जब वो पूरी रात मेवा मिष्ठान भर रहा हो, जब घंटा बजे तीसरे घंटा विक्रमादित्य तू लगाओ जाए कराओ में। देवी ने जब माँ जर एक तरफ करी जोगनी पिसंग मिले, माँ और ही आनंद है। जब हनन जहाँ मारो अमृत, वहाँ राजा विक्रमादित्य देवी भड़बड़ा गई, बोले राजन तुमने बहुत कष्ट हो, हम बहुत प्रसन्न हैं, अब वरदान मांग ले। उनकी माँ दया और त्रिवाचा राले बोलते हैं, बोले पहलो वरदान आज से यही है कि कराओ लौटता हो जाए। अब राजा कर्ण कराओ नहीं, बोले जब लो जीवित रहा है माँ उसकी चारपाई तरह से भाव मन सोन मिले। और फिर तीसरे वरदान में उनने कही, माँ हमें अमृत चाहिए, अमृत खिलान तैयार हो गए। चौथे वरदान में बोले माँ चलने हैं उज्जैन, उन्हें नहीं बोले त्रिवाचा आ गए, राजा विक्रम कन्नू से आ रहे थे। फिर ठीक है चल हैं देवी लुप्त तो भाई, राजा विक्रम इतना भाई शक्तियाँ हटाई गई। जब विक्रम जगे करण राजा करण जगे चारपाई पे, तो द्वारे परी राजा करण की जय हो, दानी की जय हो, अब भूखन कराओ लोटो धरो। राजा होश गुम उड़ गए, विक्रमादित्य थोड़ी देर बाद आए हाथ जोड़े, बोले राजन चिंता का करा, चारपाई तरह देखो। उन्हें कि आप कौन हैं, बोले माफ़ करिए हम विक्रमादित्य उज्जैन के राजा, अब आपको नहीं भूलने हैं आपको। उस समय देवी प्रकट हो गई, बोले दो राजा बराबर हैं। बोले विक्रम करण से बोले कि अब हम जा रहे हैं उज्जैन के लाने। बोले माँ हम का कार त्रिवाचार्य, बोले हमसे आ रहे। तो राजा विक्रमादित्य ने चरण पकड़ लाए, करण ने चरण पकड़ लाए, चरण यहाँ रह गए, ऊपर को हिस्सा उज्जैन चलोगा। उज्जैन पहुँच गए, यहाँ से हरसिद्धि देवी के नाम से उज्जैन में गढ़काल का काल भैरव हरसिद्धि देवी अमृत चार चीज़ें यहाँ से गई। फिर वहाँ एक ब्राह्मणी मरी जल गई थी, बिनको राख हड्डी सब खट्टी करके जहाँ अमृत मारो उनकी ब्राह्मणी ब्राह्मण को दई, और वहाँ से ऐसे यहाँ की कहानी है। अच्छा। तब से वही चल रही है। पहले जब यहाँ कोई नहीं था खंडर हतो, तो यहाँ को दिन भर रात तो वैसे आम के भोजन भर को पैसे में लगते। अब जो सवेरे शाम लो रहे, तो शाम को टक्कर भाई बने बनाए। अच्छा। और मनोकामना अम्मा पूरी करती हैं, जाके इच्छा होती तब तो बहुत दूर दूर के आते हैं। अच्छा, तो महाराज जी जैसे कि महाराज जी ने ये कहानी बताई है, तो ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी है। और जैसे कि महाराज ये जो पुराना मंदिर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये दो मंदिर जो बने हैं इनको कितना टाइम हो गया बने, एक मंदिर अभी? एक तो 94 में स्थापना भाई है, 2094 में
काली मैया शंकर जी हनुमान जी गणेश जी। अच्छा। गुरु महाराज जी श्री श्री हरजार आठ बाबा मंजदास जी ने बनवाए। दूसरा मंदिर 2007 में स्थापना हुई है। अच्छा। महाराज श्री श्री हरजार आठ बाबा मंजदास जी महाराज ने बनवाए। फिर ताके बाद महाराज जी 2012 में 13 जून को समाप्त हो गए। अच्छा। फिर उनकी पुण्यस्मृति में 2013 में उनको भंडारों करो है 13 दिसंबर को, तब उनकी मूर्ति विराजमान करवाई हमने। फिर 2018 में धर्मशाला बनवाई, यज्ञशाला बनवाई, 19 में फिर यज्ञ हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता पा रहे हैं, महाराज जी ने यहाँ पे जो भी मंदिर हैं उन सब की जानकारी दी है, और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मंदिर थे, तो यहाँ की पूरी इन्फॉर्मेशन और जानकारी आप तक पहुँचाई है। तो आप लोग आएँ और यहाँ का लेके बढ़िया आनंद लें, और यहाँ पे मंदिर है, दर्शन करें माता के। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और महाराज ने जो जानकारी दी है उसके लिए महाराज को धन्यवाद।